गाइज अस्सलाम वालेकुम, होप करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वैसे तो जायना ने इसका इंटरव्यू कर दिया था, तो मैंने सोचा चलो वो नहीं, क्योंकि बच्चे आज स्कूल भी नहीं गए। मैं भी थोड़ा सुबह उठ तो मैं सुबह गई थी, लेकिन मैंने सोचा चलो जब मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, माशाल्लाह सुबह से इतनी तेज़ बारिश है बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा आराम ही कर लें। तो बच्चों ने खूब फुल मस्ती, मैंने जो बाहर जाके देखा जायना वो फुल मस्ती, बारिश में भैया जायना खूब मस्ती कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा वो लगा। मैंने कहा चलो कोई नहीं, कभी कभी मिलता है। लेकिन तो फिर हमने ये सोचा कि बच्चों के लिए यमी यमी ब्रेड पकोड़े बनाए और कुछ बनाए। तो गाइस बस ऐसे ही है, देखो ये बैठी है बिट्टू को ले, आँख खुलते बिट्टू को लेके बैठी हो ये देखो क्या कर रहे हैं बिट्टू, क्या कर ले हो आप, क्या कर ले हो, क्या कर ले हो फूफू, क्या कर ले हो, हो मम्मा 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 मम्मा, नो नो आने की कोशिश मत करो हाय बोलो, हाय गाइस, हाय गाइस, गाइस को हाय बोल दो, हाय बोलने का मूड नहीं है। तो गाइस चलिए हम मिलते हैं आपको, ब्रेड पकोड़े कैसे बनाते हैं आपको भी दिखाते हैं, चलते हैं किचन में। ये गाइस बारिश हो रही है और देखते हैं आंटी हमारे लिए क्या बना रही है। आंटी आप क्या बना रही हो? ब्रेड पकोड़ी। आज मैंने सोचा चलो यम्मी यम्मी से तुम्हें ब्रेड पकोड़े खिला दे सबको, आज वैसे भी तुम सब छुट्टी पे हो तो इसलिए। तो ये रहे अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। ये क्या है? ये वो है, इसमें है ना हमने आलू वगैरह का पेस्ट वो किया है, अब इसे बेसन में करेंगे और फिर इन्हें फ्राई करेंगे। तो हम ये सोच रहे हैं कि इन्हें है ना ये थोड़े ब्रेड बड़े हैं तो हम इन्हें ऐसे बीच में कट कर लेते हैं। ओके तो गाइस हम इन्हें बीच में से कट कर लेते हैं तो थोड़ा अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। हमारे ब्रेड पकोड़े बन गए हैं, बहुत ज़्यादा यमी यमी है। और मैंने आपको भी इनवाइट किया है
ब्रेड पकौड़ों में आप सबके लिए, यूट्यूब मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए भी। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा यमी यमी से बने, वैसे मैंने तो खाई नहीं, मैं थोड़ा डाइट पे हूँ। तो गाइस थोड़ा बहुत तो हो जाता है, बच्चे मतलब जब कुछ ऐसी यमी यमी से चीज़ लेते हैं ना, मैं थोड़ा बहुत ले लेती हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डाइट करती हूँ जायना मैं करती हूँ, तो थोड़ा बहुत गाइस थोड़ा बहुत तो चल जाता है या नहीं? नहीं चलता है। आज क्या 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 है गाइस? आज इसने है ना बहुत बहुत ज़्यादा मस्ती की है, डांस भी किया है, तो गाइस ब्लॉग्स में देखना इसका डांस, कैसे डांस कर रही है नहाते हुए समय। ये देखो बच्चा ये क्या क्या खाता रहता है, उल्टी उल्टी चीज़ें बच्चे खाते रहते हैं। तो गाइस डाइट तो मेरी यूँ टूट जाती है, बच्चे थोड़ा कुछ खाए तो बोल देते हैं मम्मा ये ले लो, तो फिर लेना पड़ता है थोड़ा बहुत, तो इसलिए मेरी डाइट टूट जाती है। तो इस वजह कह रही है क्या हो गया? तो मम्मा मेरे साथ एक चैलेंज कर। चैलेंज? यस। क्या है वो? फिल द ग्लास चैलेंज। कैसा है वो? चलो गाइस तो देखते हैं, आज हम रोज़ाना हम इनको वो देते हैं, आज ये मुझको चैलेंज कर रही है, तो देखते हैं क्या है, हमारे साथ बने रहिए। सो मम्मा इसमें हमें ये करना है, हमें बोतल से ग्लास में फिल करना है पानी, जिसका स्पिल हो गया वो लूजर है और जिसका स्पिल नहीं हुआ वो विनर है। तो गाइस दुआ करना मैं हो जाऊँ विनर। ये नहीं होने की है ना बिट्टू? यस बिट्टू ने भी बनाया देखते हैं अभी पहले से पहले क्यों कर रहे हैं। डालो लाना मत। नहीं नहीं मैं नहीं, मैं नहीं ला रही। गिरा नहीं गाइस, गिरा नहीं। अब चलो चलो भाई आज की विनर हुई ज़ाइना।
लेकिन मैंने कोशिश बहुत की है, लेकिन जो बिल्कुल अभी पता नहीं पहले गिरा था या अभी गिरा है मेरे सामने। चलो कोई बात नहीं, आप भी ना रहो छोट मोट की भी ना रहेगा। नहीं ये गिरा है अभी, मैं गिरा अभी। अच्छा बाबा नहीं, चलो तुम ही ना रहो कोई बात नहीं। तो गाइस हमें गेम में जायना ने हरा दिया है, तो आज की विनर हुई जायना। गेम में बहुत ज़्यादा वैसे मज़ा आया है। तो गाइस बस इस ब्लॉग को ही एंड करते हैं। जिसने लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय।